शासन के निर्देश पर रविवार को जनपद में हो रही साप्ताहिक बंदी पर एसपी सिटी सोनम कुमार ने बोलते हुए कहा कि महानगर के 30 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी तथा उन बैरियर पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बंदी 35 घंटे की होगी, जो कि शनिवार को रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक होगा। एसपी सिटी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की छूट दी गई है तथा बिना आवश्यकता के बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों से अपील करते हुए कहा कि शासन ने जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है, मास्क ना लगाने वालों से बढ़ी धनराशि का चालान किया जाएगा या जुर्माना वसूला जाएगा। सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए आज रात 8 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 7 बजे तक की बंदी रहेगी, 35 घंटे की बंदी रहेगी। इसके लिए हमने शहर में 30 जगह पर पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं जहाँ से आवागमन एकदम बंद रहेगा। उसके अलावा जो बाकी चौराहे होंगे उन पर ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। वहाँ पर कोई भी अगर वाहन जाता है जो कि एसेंशियल सर्विस में नहीं है, उनको उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो मास्क नहीं पहने होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। आज भी पूरे दिन एक अभियान चला करके मास्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये लोगों से जागरूकता भी बनाई जा रही है कि वो लोग मास्क का प्रयोग करें और कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करें। सर, बहुत से लोग ऐसे लापरवाही कर रहे हैं मास्क में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके लिए है कि बहुत ही बड़ी धनराशि का चलान हो रहा है, तो अच्छा होगा कि आप एक स्वयं मास्क पहन के इससे बचें और एक खुद से अंदर से भी आना चाहिए कि हमें कोरोना से बचना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और चलान की प्रक्रिया भी की जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, बैरियर लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से पुलिस जो है और प्रशासन मुस्तैद है कि इस कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।